टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज़ बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सियाती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी के अवामी वाक़यात का अहाता करता है। डल लेक पर चरागाह और सकाफती शो की कुछ झलकियाँ आपको भी दिखाते हैं। इस तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। कश्मीर में आज़ादी के जज्बे की लहर में बारामूला के मकाम पर 108 फीट का भारतीय झंडा लहराया गया, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव की हर घर तिरंगा कैंपेन का हिस्सा था। So it's a matter of great pride for all of us to be witnessing this great event at Hyderabad. 108 feet tall high mast flag. This is first of its kind in North Kashmir. और ये जो राष्ट्रीय झंडा यहाँ पे लहराया गया है, ये हमको और उत्साह करेगा अपने जो
देश का नाम को आगे बढ़ाने के लिए. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द सिटीजन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर, एंटायर कश्मीर, हु आर टेकिंग दिस हर घर तिरंगा कैंपेन सो वेल फॉरवर्ड एंड इज बिकमिंग अ सॉर्ट ऑफ एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. जिस तरह से ये जो कैंपेन है इसको लेके यहाँ की आवाम आगे बढ़ चढ़ रही है, ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनता जा रहा है. सालों बाद कश्मीर में एक नए जदीद सिनेमा घर की तामीर का काम तेजी से जारी है. कश्मीर हालिया बरसों के दौरान जिस तेजी से तरक्याती मंसूबों का हिस्सा बना हुआ है, उनका मकसद कश्मीरियों को एक नए उफक के साथ जोड़ना है. लोग इधर तीन ऑडिटोरियम्स चल रहे हैं, उसमें पूरा आपको पूरा 7.1 प्रोसेसर, पूरा आपको साउंड सिस्टम मिलेगा एंड लेजर प्रोजेक्टर, वो भी आपको देख सकते हैं 2K रेजोल्यूशन में रहेगा उसमें, एंड सिल्वर स्क्रीन यूज किया है हम लोग. हमने देखा कि 30 साल तक यहाँ पे कोई ऐसी चीज है नहीं, हमने कहा हम भी कोशिश करेंगे बनाने के, क्यों नहीं. बेसिक आइडिया तो हमारे है ही, फिल्मी दुनिया के साथ काफ़ी वाबस्ता रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. तब हमने शुरू किया है और ये पर्पस भी शुरू है कि जितने भी यहाँ पे यंगस्टर्स हैं उनको वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए सिनेमा में जो उनको जम्मू में मिलती है. ये मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसमें तीन सिनेमाज होंगे. तीनों सिनेमाज की टोटल कैपेसिटी 520 सीट्स रहेगी और हम हर 15-15 मिनट के बाद, होपफुली या 20 मिनट के बाद एक पिक्चर शुरू करेंगे. हाल ही में फिर एक बार कश्मीरी दस्तकारियों और आर्ट के फरोग के लिए एक नुमाइश का एहतमाम हुआ. इस तरह की नुमाइशें जम्मू कश्मीर में आए दिन मुनक्किद होती रहती हैं, जिनका मकसद मुकामी सनतकारों और आर्टिस्टों की मदद करना होता है. इस हालिया नुमाइश को भी भरपूर तवज्जो मिल रही है. कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट है ये तो दुनिया भर में मशहूर है, इट्स अपनी यूनिकनेस के लिए, डिस्टिंक्टिवनेस के लिए और फंक्शनल यूटिलिटी के लिए. तो इसमें जो हमारे आर्टिजन्स यहाँ पे हैं उनके जो प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, चाहे किसी भी क्राफ्ट में हो, उनको प्लेटफॉर्म फराहम करना वो बड़ा इम्पोर्टेंट बनता है.
से यहाँ पे स्टॉल लगेंगे तो जो बाहर के हैं उनको पता चलेगा कि कश्मीर में क्या क्या चीज़ बनते हैं। जब वो यहाँ पे आएंगे खुद उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैसी क्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ पे सेल्स डेवलप हो जाती है, इससे प्रोडक्ट एक्सप्लोर होता है। जो नया बंदा है ट्रेड में वो आते हैं एग्जीबिशंस में, नए प्रोडक्ट्स देखते हैं, नए स्टाइल्स देखते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट सेल्स के पर्सपेक्टिव से भी ये अच्छी चीज़ है और ऐसे एग्जीबिशंस होने चाहिए। आखिर में श्रीनगर के एक एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव का हाल आपको दिखाते हैं। मरकजी और लोकल गवर्नमेंट्स की मदद से इलाके के छोटे छोटे कारोबारों को आगे फैलने फूलने के लिए बेपनाह मौके फराहम किए जा रहे हैं। एक आइडिया लेके आए कि कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव, जहाँ पे हमने सब यहाँ के चैम्बर बिजनेस चैम्बर्स के को बुलाया, यहाँ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बुलाया जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं कश्मीर में और चाहते जो यहाँ के बिजनेस स्टार्टअप करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनका स्पॉन्सर करते हैं। सो दैट्स ये यहाँ ऑर्गेनाइज यही था कि दैट एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे एक मौका मिल जाए, यहाँ के युवाओं के लिए मौका मिल जाए कि दैट वो इसको समझे एक्चुअली बिजनेस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, स्टार्टअप क्या है, कि वो अपना रोजगार बनाए। गवर्नमेंट ने एक अच्छा ये पॉइंट उठाया कि हमारी यूथ को इंस्पायर किया जाए कि बिजनेस क्या है। और एज अ मैं खुद की बात करूंगी, मैं भी एक सिंपल घर से थी, मेरे पापा एक लेबर थे, मेरे घर में बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं था। तो एक छोटा सा बिजनेस हमारे घर में चल रहा था शॉल्स का, तो छोटा सा मतलब बिजनेस को मैंने बड़ा बनाने के कुछ ख्वाब देखे, तो उन ख्वाबों को रंग लाया मेरे गवर्नमेंट ने।
ये कंक्लेव यूथ एंटरप्रेन्योरशिप पे था कि बीइंग जॉब क्रिएटर्स देन जॉब सीकर्स, जिसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ग्राउंड पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये कंक्लेव बड़ा अच्छी कोशिश है कि एक यूथ में हम एक एनर्जी लाएं ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाएं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं और जॉब क्रिएटर्स बने ताकि हमारी इकॉनमी पे फ़ायदा मिले. आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया. टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन.